आज मैं आपको ये सारे कुर्ते दिखाने वाली ऑफ डिफरेंट कलर पैटर्न हाई गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल माई नेम इज इन क्योंकि यार अभी सर्दियां जा रही हैं एंड गर्मियां ऑलमोस्ट आ रही हैं धीरे धीरे दे आर कमिंग बीच में थोड़ी सर्दी हो जाती है लेकिन फिर भी गर्मियां आ तो रही हैं ना तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुर्ताज़ अंडर नाइन नाइनटी नाइन आई हैव सच ब्यूटिफुल कुर्ताज़ फॉर यू गॉयज़ इनमें से कुछ पार्टी वेयर हैं कुछ ऑफिस वेयर हैं दिस आर नॉट डेली वेयर कुर्ताज़ बट हाँ ऑफिस में पहन के जा सकते हो और थोड़ा बहुत बाहर जा रहे हो मार्केट में मतलब थोड़े प्रजेंटेबल लुक वाले हैं लेकिन अंडर नाइन नाइनटी नाइन सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज मैं आपको ये सारे कुर्ते दिखाने वाली हूँ दे आर ऑफ़ डिफरेंट कलर पैटर्नस डिज़ाइन इनमें से कुछ बहुत ब्यूटिफुल कलर्स हैं कुछ बहुत साटिल कलर्स हैं फॉर ऑफिस वेयर सो चलो देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उल्टा करके सो साइडिंग विद दिस ब्यूटिफुल मरून कुर्ता तो ये पहला कुर्ता जो मैं आपको दिखा रही हूँ एंड इसमें अगर आप एम्ब्रॉयडरी देखो ना पास से इसमें क्लियरली इसी बहुत सुंदर काम दिया गया है दिस फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी नाइस दिस इज लिटल बट इन दिल्क टच और अंदर इसमें अस्तर आया है दिस इज इन द साइज मीडियम मैंने सारे ही कुर्ते जो हैं वो मीडियम साइज में ऑर्डर किए हैं बिकॉज आई एम गेनिंग लिटिल बिट वेट ऑन दिस मतलब वेट तो मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन मेरा फैट बढ़ रहा है इस रीजन में बाकी और कहीं से नहीं बढ़ रही हूँ मैं सो आई डिसाइडेड टू बाय अइज़ बेग अप तो ये बहुत ही सुंदर कुर्ती है जिस पर पूरे में ऐसा वर्क आएगा एंड इसकी स्लीव का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिया गया है ना आप कमिंग ऑट टू द स्टाइलिंग कि आप इसे कहाँ कहाँ पहन के जा सकते हो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टाइल इन मल्टीपल वेज अगर आपको नॉर्मली अपने पति के साथ बाहर जाना है यू वॉन्ट टू गेट अ लिटिल ड्रेस ही या आप पहन लो नीचे पैंट्स पहन लो यू आर सॉटेड यू कैन ऑल्सो अटेंड अ पार्टी इन दिस आप इसको गोल्डन प्लाजो या गोल्डन स्कर्ट के साथ पहनो विदा गोल्डन दुपट्टा ये बहुत अच्छा और यू नो सोफेस्टिकेटेड लुक देगा द नेक इज ऑल्सो वेरी प्रिटीट सो वी नेक कुर्ती कुर्ता जो कि आजकल ट्रेंड में भी है काफी तो बहुत बढ़िया लगेगा पहनने के बाद ये वाला कुर्ता मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी बिकॉज द प्राइज एंड द क्वालिटी इज टोटली जस्टिफाइड तो नेक्स्ट कुर्ता दैट वी हैव एज अ ब्यूटिफुल ब्लैक कुर्ता एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम द वीडियो बिकॉज ये इतना ज़्यादा क्लासिक लग रहा है ना आप ख़ुद देखो इसका पैटर्न ऐसा है कि ये कभी फ़ैशन से आउट नहीं हो सकता एंड फिर लुक एट द फ्रंट इस पे ना ये नेक पे बहुत ही सुंदर और माइन्यूट सी यहाँ पर ये इसमें डिटेलिंग दी गई है ऑफ एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारा कुर्ता है आई रियली लाइक इट इज़ ऑल्सो सिल्क कुर्ता एंड ये आर्ट सिल्क है डेफिनेटली और अंदर इसमें आपको मिलेगा अस्तर एज़ यूजल जो फर्स्ट वाले कुर्ते में भी था सिमिलर ये जो कुर्ता है लगता बहुत प्यारा है पहनने के बाद इसको भी आप दोनों वेज़ में स्टाइल कर सकते हो विद अ प्लेन बेसिक ब्लैक पैंट तो आप इसे नॉर्मल पहन कर जा सकते हो बाहर थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह यू वॉन्ट टू गेट अ लिटिल ड्रेसेस जैसे कि मैंने उस कुर्ते के लिए बताया था बट इफ यू वॉन्ट टू स्टाइल इट ये भी सेम गोल्डन पैट्स गोल्डन प्लाजो गोल्डन स्कर्ट के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा एंड यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट इंटू अ पार्टीवेयर कुर्ता एज वेल well. तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ कुर्ते हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं सो देर इज़ ए पॉिसबिलिटी की इनके प्राइजिस थोड़े डिफर करें अभी क्योंकि जब मैंने ये लिए थे तो इनके प्राइज अंडर नाइन नाइनटी नाइन थे बट प्राइज जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं सो डों फिर गेट टू चेक दर आव तो आपको नेक्स्ट कुर्ता दिखाने से पहले मैं एक छोटा सा स्किन केयर सेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आई कम्प्लीटलीस्टैंड की जो मोमीज़ हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन है फिर घर में भी यार बहुत सारा काम होता है उनके लिए बहुत मुश्किल है अपनी स्किन का ध्यान रखना एंड यू नो एक प्रॉपर पूरा बड़ा वाला स्किन केयर फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है लाइक इट्स इम्पॉसिबल ट्रस्ट मी मैं भी नहीं कर पाती हूँ बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का केयर करना है जरूरी इफ़ फिर एंटरिंग योर थर्टीज तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी स्किन का मतलब पाँच दस मिनट अपने लिए निकालना जरूरी है सो आई एम शेयरिंग दिस बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉर यू गाइज लोग जनरली फेयरनेस क्रीम्स लगाते हैं टू गेट दैट ब्राइट स्किन अब पता है वो बिल्कुल एक मेकअप की तरह काम करती है आप उनको लगाओगे ठीक है आपको अपना फेस क्लीन लगने लगेगा बट जैसे ही आप उसे साफ़ करोगे या फिर वो टाइम के साथ उतर जाएगी योर स्किन विल बी बैक सेम जो कि आपका ऑलरेडी स्किन है वही देखने लगता है सो दिस इज द बिगेस्ट मिथ दैट पीपल आर फॉलोइंग जो फेयरनेस क्रीम्स लगाते no हैं कि आप कुछ ऐसा स्किन करे उसका इफेक्ट आपके फेस पर अलग से दिखाई दे

करना चाहूँगी आई क्वाइट लाइट इट इट्स क्वाइट स्टर्डी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग दी है सो so, uh, जब भी आपके यू you नो know, uh, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं यू एक्चुअली लुक एट दैकेजिंग फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन क्योंकि वही होता है सो so पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद आई है इसकी एंड आई बीन यूजिंग दिस सीरम सिंस फ्यू डेज एंड आई कैन फील दैट लिटिल प्लंप इन माई स्किन बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइनेस एक uh, काफ़ी रफनेस आ गई थी मेरे फेस पर क्योंकि मुझे काफ़ी वॉमिटिंग हुई है इस टाइम पर तो बट उस इसकी वजह से एक हल्का सा प्लमप हल्का सा हाइड्रेशन

थर्ड स्टेप इज applying sunscreen सनस्क्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सब लोग धूप में निकलते हैं और आपको पता है कि आजकल रेज कितने हार्मफुल होते हैं विच मेक्स आर स्किन डल ड्राई एंड बहुत अंडर नरिश लगती है स्किन सो बिफोर शोइंग विद द सनस्क्रीन आई वॉन्ट टू टेल यू ग्रोइंग पे चल रही है सेल अगर आप ये फेस वॉश और सिरम खरीदें तो उसके साथ आपको गिफ्ट कर रहे हैं ये लोग दिस ब्यूटिफुल ग्रो यंग मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपको दोनों अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन द पैकेजिंग इज क्वाइट स्टडी आई रियली लाइक इट इट फील्स हैवी मतलब जो प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं ना थोड़े अच्छा हाई क्वालिटी के मेरे को वैसा ही है इट कम्स विद एस पी एफ एटीन अब लोगों का आजकल मैंने देखा है कि एस पी एफ थर्टी एस पी एफ फिफ्टी एस पी एफ को अप करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान है बट आई टेल यू कि जितना मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि एस पी एफ अगर फिफ्टी थर्टी पे आप जा रहे हो तो वो उनके लिए जो पूरा दिन धूप में काम करते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई ऐसा है कि जो सारा दिन धूप में ही खड़ा रहता है सो एस पी एफ एटीन इज द परफेक्ट एस पी एफ फॉर ऑल ऑफ फास्ट इस एस पी एफ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट डजेंट लीव दैट वाइट कास्ट ऑन योर फेस जैसे वो बहुत सफेद और चिपचिपा चेहरा लगने लगता है वो चीज नहीं होती है होल स्किन केयर थिंग आई मतलब

Next. नेक्स्ट कुर्ता देट वी है क्या ही बोल रही हूँ कुर्ते को द इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रेन कुर्ता दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कम्फर्टेबल है लाइट वेट है साथ साथ इट इज़ ड्रेसि एज वेल सो इफ यू वॉन्ट टू वेर इट आउट साइड यू कैन डेफिनेटली वेर इट इफ यू वॉन्ट टू वेर इट एट होम तो भी बहुत बढ़िया लगेगा काफ़ी प्रजेंटेबल लुक देगा बिकॉज इसमें यहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी एम्ब्रॉइडरी दी गई है एंड आई रियली लाइक दिस इसमें ना यहाँ पर पिंक के ऊपर छोटे 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 यहाँ पर फॉइल वर्क दिया है मतलब प्रिंट दिया है इन लोगों ने दिस इज़ अ वेरी नाइस कुर्ता इसमें जैसे कि मैंने बताया इफ़ यू अर प्रेगनेंट या फिर अगर यू नो इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ दिस टमी फैट उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा छुपा लेता है इट डजेंट शो अप थिंग एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है स्किन पे रेन बहुत सॉफ्ट रहता है गर्मियों में मूविंग ऑन और नेक्स्ट कुर्ता दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल मतलब मुझे इस तरीके के लाइट पेस्टल शेड्स के कुर्ता जिन पर हल्का सा हैंडवर्क हो ना मतलब ऐसे मज़ा ही आ जाता है ये बिल्कुल वैसा ही है लुक इतना सुंदर इस पे ये प्रिंट है पहले तो दूसरी बात इस पे पर हैंडवर्क दिया गया है पर्ल का बहुत छोटा छोटा नेक पे बहुत सुंदर सा काम है इसमें क्रोशे वाली इन लोगों ने आपको लेस लगा कर दी है बॉटम में भी इसमें ऐसी ही लेस मिलेगी जो कि बहुत सुंदर है इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा स्पेशली द वाइट द पिंक एंड हल्का सा जो इसमें डिफ्यूज सा लाइलैक शेड है और ये पर्ल की डिटेलिंग दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट कुर्ता फॉर ऑफिस एंड नॉर्मली घर से थोड़ा बहुत बाहर जाना इट लुक्स वेरी शीक वेरी क्लासी बहुत ट है इस कुर्तेटली आई रिकमेंड यू दिसो इन द साइज मीडियम और इसका फेब्रिक भी काफी सॉफ्ट है दिस इज कॉटन एंड परफेक्ट फॉर सम तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट कुर्ता एंड डेफिनेटली समर के कुर्ते की बात हो रही है और इंडिगो उसमें ना है तो ये वाला जो कुर्ता है डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज आपको तो पता है कि मुझे ये कलर कितना पसंद है स्पेशली इसके साथ जब सिल्वर ज्वलरी पहनते हैं ना तो चार चाँद लग जाते हैं तो इसमें आपको जो नेक पर पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा मेरा वर्क विद एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर सा एक मिनिममल इन लोगों ने डिटेलिंग दी है जिसकी वजह से कुर्ता बहुत बढ़िया लग रहा है बाकी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ए लाइन हाई लो कुर्ता इसमें बहुत अच्छा फ्लेर आता है पहनने के बाद अभी मैं ट्राईवन में दिखाऊंगी साइड

वर्क है जो इसमें ये लोगों ने पैटर्न दिया है बहुत सुंदर है इसमें आपको इससे किसी ग्रीन एंड फॉइल प्रिंट मिल जाएगा एंड इस पे simple यहां पर सिंपल यहाँ पर बटन्स मिलेंगे मैं फैब्रिक की बात करूँ फैब्रिक इज ओके बट नॉट दैट ग्रेट जितना बाकी सब कुर्ता का है सो इट्स काइंड ऑफ ओके ओके कुर्ता फॉर मी बट देखने में ये ऑफिस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बट मुझे फैब्रिक इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा इसका सो लाइक इफ यू वॉन्ट इफ यू लाइक द कलर देन यू कैन ट्राई लास्ट कुर्ता एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टीवेयर वाला जो फील है वो दे रहा है ये वाला कुर्ता इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ नाइस कुर्ता मरून कलर का है स्लीव इस तरीके का वर्क आएगा तो फ्रंट में भी इसमें लेस दिया गया है और बैक में से एकदम प्लेन आएगा मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ इसमें बहुत अच्छा लश्चर है जब भी ये मूव करता है ना तो इसकी चमक ऐसे मूव होती है जिसकी वजह से कुर्ता बहुत अच्छा लगता है एंड दिस द परफेक्ट पार्टी वेयर कुर्ता दैट यू शुड ट्राई कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस परफेक्टली कॉम्प्लीमेंटिंग इंडियन स्किन टोन और बहुत बढ़िया लगा मुझे तो आप इसे किसी भी ग्रे पैंट के साथ पहनिए ये बहुत क्लासिक लगेगा ट्रस्ट मी तो so, मुझे तो ये बहुत पसंद आया इसका फिटिंग वगैरह भी सब एकदम परफेक्ट है जैसे कि मैंने बताया मैंने थोड़े लूज मंगाया अपने हिसाब से तो दिस इज मीडियम साइज एंड द कलर कॉम्बिनेशन द डिज़ाइन इज जस्ट परफेक्ट सबसे अच्छी बात है फुल स्लीव तो बहुत क्लासी लग रहा है उसकी वजह से सो इफ यू वॉन्ट अ ब्यूटिफुल डिफरेंट कलर कुर्ता कुछ ऐसा तो ये डेफिनेटली ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज मुझे तो ये टेन ऑन टेन लग रहा है एकदम प्राइस के हिसाब से भी सो याद आज फोर टू डेज वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना सारे कुर्ते के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे डोंट फो टू चेक दैट आउट एंड अ सेल इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन लिबास तो उसका भी देख लेना बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं इस टाइम पे या दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को शेयर कर देना दे फ्रेंड्स के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वन